के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल बहुत पतले हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, एकदम बेजान हो गए हैं, डैंड्रफ हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरवी फैमिली। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जिस हेयर ऑयल से आपके हेयर के जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी हेयर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, आपके जितने भी हेयर प्रॉब्लम है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारे ख़त्म हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे ऐसे आपको तेल को बनाना है और वैसे ही यूज़ करना जैसे मैं बताती हूँ। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ आंवला लिया हुआ है जो मैं मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ। तो इन्हीं आंवला के हेल्प से हम लोग आज का जो हेयर ऑयल है वो प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा आंवला। तो इसके साथ मैं कुछ और भी ऐड करूंगी, बट वो आपको अभी नहीं, वीडियो के आगे पता चल जाएगा क्या ऐड करने वाली हूँ इसके साथ में। तो वीडियो को स्किप मत करना, स्किप किए बिना आप लोग वीडियो देखना, आधा नॉलेज लोगे तो फिर वो बेकार ही होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको, जो आंवला है, हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और इसके जो अंदर का बीज होता है ना गाइस, अंदर का जो सीड है उसको हमें रिमूव कर लेना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लेना गाइस। और जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने अभी तक किया नहीं है, वीडियोस देखते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट करिए। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब कुछ फ्री है, तो आपको फ्री में यहाँ पर सपोर्ट करना है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये आंवला को सब काट दिया है और अंदर का जो सीड था, जो बीज था, वो मैंने निकाल दिए हैं। तो मैंने सारे जितने भी आंवले, ज़्यादा सारा नहीं लिया था, तो यहाँ 20-21 यहाँ पे लिया था आंवला मैंने, जो आपको साइज़ दिखाया था उस साइज़ के लिया था। और मैंने उनको काट के अंदर का जो बीज होता है वो मैंने निकाल दिया है। तो अभी हम लोग जो ऑयल बनाएंगे उस, यही आंवला हम लोग यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी। आप लोग वीडियो स्किप मत करना, देखते रहना, क्योंकि एक एक चीज़ मैं बीच में, वीडियो के बीच में बहुत कुछ मैं ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, अगर आप इस ऑयल को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले गर्म हो गया हमारा अच्छे से। तो रुकिए, मैं गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं ऑयल डाल ले रही हूँ, यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे 100 ml का जो कोकोनट ऑयल है वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कोकोनट ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ वो आप देखिए। अब इस ऑयल में, कोकोनट ऑयल में, मैं बराबर मात्रा में मैं क्या करूँगी, तिल का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें ऐड कर दूँगी तिल का तेल। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल में तिल का तेल ऐड कर दिया है बराबर मात्रा में। अब आपको इसमें जो मैंने छील के रखे थे ना यहाँ पे आंवला, अब आपको इसमें आंवला ऐड कर देना है। अब आपको थोड़ा फ्लेम इसको मीडियम कर देना है। देखिए, मीडियम कर दिया मैंने, एक जब तक उबाल अच्छे से, एक बार उबाल ना आ जाए आपको मीडियम कर रख देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा उबाल आ गया है, इसमें ऑयल में उबाल आ गया है। तो हमें क्या करना है, अभी गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है। गैस का फ्लेम हम लोग अभी लो कर देंगे, हम इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। देख सकते हो मैंने फ्लेम को एकदम लो करके रखा हुआ है, जलना नहीं चाहिए ना, इसलिए एकदम लो करके आपको पकाना है। और तब तक आपको पकाना है जब तक कि जितना हमने ऑयल डाला है उसका एकदम हाफ ना हो जाए, आधा ना हो जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। और ऐसा नहीं कि आप चढ़ा के आप छोड़ दो, बीच बीच में आपको चलाना भी है, ये भी याद रखना कि आपको चलाते रहना है। आप ऐसा मत सोचना कि एक दिन आपने लगाया और दूसरे ही दिन आपके बाल लंबे हो गए, शाइन आ गई, झड़ना कम हो गया, ऐसा सपने में हो सकता है, हकीकत में ऐसा मैजिक नहीं होता है कि एक दिन में आपके बाल लंबे हो जाए, आपके बाल में शाइन आ जाए, झड़ना बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसा मैं दावा भी नहीं करती कि एक दिन में ही आपको सब कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, बट हाँ मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर बोलने से मतलब है मेरा कि अगर आप हफ्ते में इसे 1 से 2 बार यूज़ करते हैं अच्छे से, तो मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आपको कि विद इन 1 मंथ
विदिन वन मंथ क्या 15 से 20 दिन के अंदर आपको एकदम रिजल्ट, अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पहले से तो बहुत बेटर है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ऑयल को लगाने के सबसे बेस्ट टाइम है रात में लगाइए आप, रात में लगा के और सुबह अपना हेयर वॉश कर लीजिए। लेकिन अगर आप रात में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लगा नहीं सकते, तो आप नहाने से पहले 2 घंटा पहले लगा लीजिए और 1 से 1.5 घंटा आप इसे बालों में रहने दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं, कंप्लीट रिजल्ट चाहते हैं, तो आप इसे 1 से 2 महीना कंटिन्यू यूज़ करिए, उसके बाद आप खुद रिजल्ट देख लेंगे कि आप कितना फ़र्क आया है। तो गाइस आप देख सकते हो हमें पूरा जलाना नहीं है, एकदम काला नहीं करना है, हो गया है हमारा ब्राउन हो गया है कलर, जो आंवला है वो ब्राउन हो गया। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ठंडा होने के बाद इसे हम लोग छाक लेंगे, छाकने के बाद इसे हम लोग कंटेनर, किसी कंटेनर, स्प्रे बॉटल हो या कोई भी कंटेनर आपके पास हो, उसमें स्टोर कर रख दीजिए और आप इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में भी। इस ऑयल को जब आप यूज़ करेंगे तो उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है, वो आप सुन लीजिए। हाथ के जो 4 फिंगर्स है, ये आप देख रहे हैं 4 फिंगर्स है, दोनों हाथों के जो 4 फिंगर्स है उनको आपस में रगड़ना है। इसको रगड़ना नहीं है, थंब को आपको नहीं रगड़ना है, ओनली ये 4 फिंगर्स जो देख रहे हैं आप, इन्हीं को आपस में आपको रगड़ना है, ठीक है। और ऐसा आपको एक दिन में कम से कम 10 मिनट आपको करना है। तेल भी लगाना है और इसके साथ ये वाला भी करना है जो मैंने बताया आपको, चारों फिंगर यूज़ करना है। आपको थंब यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, थंब यूज़ करेंगे तो आपके दाढ़ी मूछ निकल जाएंगे, आपको पता ही होगा जिससे दाढ़ी मूछ निकल जाता है, तो आपको ये नहीं यूज़ करना है। ओनली ये जो 4 फिंगर देख रहे हैं ना, इसको यूज़ करना है और ऐसे रखना है और दोनों हाथों को आपस में ऐसे ऐसे रगड़ना है, नेल्स को रगड़ना है, हाथों को नहीं, नेल्स को रगड़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।